मेरे उत्तराखंड में घर की अधिकांश जिम्मेदारी महिलाओं व लड़कियों पर ही होती है, लेकिन इन सब के बावजूद वे पढ़ रही हैं और उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड में शिक्षा की स्थिति अच्छी है। गैरसेन दूर दराज का इलाका है और यहाँ पे ट्वेल्थ के बाद पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, तो लड़कियों को पढ़ाने की और बाहर भेजने का विचार कैसे आया? यही आया, मतलब बच्चे पढ़ने वाले अच्छे थे तो आपने कहा चलो पढ़ो भाई, अपने इच्छा मत मारो। बच्चे तो बहुत दिनों से वो हो गए थे परेशान कि हम वहाँ भेजो भेजो भेजो, हमने कहा चलो। केवल हमें पैसे भी नहीं मिलते थे उस समय, तनख्वाह भी, घर से अपने घी दूध बेच के बच्चे पढ़ाए। माँ बापों के प्रोत्साहन के अलावा लड़कियों की शिक्षा में खुद उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास का योगदान है। वो बड़ी कक्षाओं में अपना एडमिशन खुद करवाती हैं, फॉर्म खुद भरती हैं, पैसा व समय बचाकर कंप्यूटर जैसे तकनीकी प्रशिक्षण लेती हैं। ये जिनके पास पैसे का अभाव है वो नौकरी करके अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और अच्छे पद पर पहुँचना चाहती हैं। और मेरी लड़की ने, मतलब मैं खुद बेरोजगार होके इधर उधर भटक रहा था, लेकिन मेरी लड़की अभी हाई स्कूल में पढ़ रही है, उसी ने मुझे ये शिक्षा दी कि पापा यहाँ पे बिजनेस करो और राह दिखाई मेरे को, नई राह दिखाई। उत्तराखंड की जो कम्युनिटी है उसमें ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि लोग बेटियों को आगे पढ़ा रहे हैं? अच्छा, यहाँ की लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके अंदर मतलब एक आगे बढ़ने का उत्साह है। उनको मतलब हर चीज़ को अपने एजुकेशन को देख के, हर कॉम्पिटिशन को देख के बहुत कुछ करना चाहती हैं। मेरे उत्तराखंड में लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, चाहे प्रोफेशनल कोर्स हो, आर्मी ऑफिसर्स हो या प्रशासनिक सेवा में, जिससे उच्च शिक्षा की दर भी काफ़ी आगे हुई है और उत्तराखंड का नाम भी रोशन हुआ है। इंडिया अनहर्ड और वीडियो वॉलंटियर्स के लिए मैं लक्ष्मी नोटियाल, गैरसेन, उत्तराखंड से।